मेरी जर्नी शुरू हुई 2015 में जब हमारी सरकार बनी, और क्योंकि एट दैट टाइम मैं जेपैल जो पॉवर्टी एक्शन लैब का पॉलिसी हेड था फॉर साउथ एशिया, और पहली बार हमने जो बजट प्रेजेंट किया मनीष जी ने, उसमें कहा कि हमारा एजुकेशन का बजट डबल हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, देश भर के बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि कोई सरकार आ रही और पहले साल में एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। और कोइंसिडेंटली मेरी जो संस्थान थी जेपैल ने, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने एजुकेशन में किया था। 10 साल या करीबन 15 साल में बहुत रिसर्च कर रखी थी कि एजुकेशन में क्या चीज़ें काम कर सकती हैं, क्या नहीं काम कर सकती। तो हमने सोचा कि चलिए मिला जाए और वी विल शेयर आर लर्निंग्स एंड लेसन्स। तो अक्सर ये होता है कि मैं तब 10-12 स्टेट गवर्नमेंट से काम कर रहा था, और जब आप चाहते हो कि किसी सरकार से मिलने, तो आप 3 बार चिट्ठी लिखते हो, 10 कॉल करते हो, तब जाके कोई एक डायरेक्टर लेवल का बंदा मिलेगा, फिर जाके सेक्रेटरी 15 मिनट देगा और मंत्री 1 मिनट देगा। ये लॉजिक है कि किसी को ये सारे आइडिया सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम कुछ मोटिवेटेड आईएएस ऑफिसर्स हैं कि नहीं हमें कुछ करना, लेकिन बहुत चुनिंदा। इंटरेस्टिंगली दिल्ली में जब हमने इसके लिए एजुकेशन पे हमें आइडियाज़ सुझाव देने चाहे और हमने अप्रोच किया, तो पहली बार मेरी मुलाकात आतिशी से हुई, और उन्होंने 2 घंटा बात करी। शी वॉज़ द एडवाइज़र टू एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्होंने ये समझा पूरा, और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले सोच रही थी कि किसी एजुकेशन की सेक्रेटरी वगैरह से आपको मिला दें, लेकिन इसको तो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर के पास हमको बैठना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो थर्सडे फ्राइडे था, टिपिकली ये होता है कि चलो 1-2 हफ्ते बाद मिनिस्टर से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, सैटरडे को, मिनिस्टर भी बहुत कीन है, आप घर पे आइए। पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 जो भी लीडरशिप टीम थी, हम सारे पहुँचे। पहली बार मेरे जीवन में किसी एजुकेशन मिनिस्टर के सामने मैं बैठा जिसने 3 घंटे बिताए रिसर्च को डिस्कस करने के लिए कि नहीं आप बताइए कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एक्शन लैब ने सीखा है कि बांग्लादेश में क्या काम किया, अफ्रीका में क्या काम किया, साउथ अमेरिका में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें क्या काम किया, और उसमें हम दिल्ली में क्या सीख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल हमारे मंत्री ने पूछे, तो ये आउटस्टैंडिंग था मेरे लिए भी और मेरे कॉलीग्स के लिए भी।